हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में अबाउट CSIR नेट UGC। और इस वीडियो में आप लोग को जानने को मिलेगा कि कैसे आप लोग आज और तुरंत अभी से CSIR नेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ऐसे 3 ट्रिक्स के बारे में जिससे आप लोग आज से अभी से और इसी वक्त से CSIR नेट प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CSIR नेट इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस एकेडमिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन आवर कंट्री इंडिया, और इसकी प्रिपरेशन के लिए बहुत सारा वक्त, एफर्ट और बहुत डेडिकेशन की जरूरत है। फ्रेंड्स, जैसा हम लोग के साथ कई बार हो चुका है, शायद आप जो वीडियो इस वक्त देख रहे हो आपके साथ भी हो चुका हो कि आप सोचते हैं कि कल से स्टार्ट करेंगे, पर वो स्टार्ट कभी हो ही नहीं पाता है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज के जो साइकिल से हम लोग को छुटकारा मिल सकता है, कैसे हम लोग आज से अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप जो वीडियो इस वक्त देख रहे हैं, आप BSc, MSc कोई भी स्तर के स्टूडेंट्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप CSIR नेट की प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर सकते हो, इसका कोई भी बार या बाउंडेशन नहीं है, और इससे आपके रेगुलर बेसिस के जो पढ़ाई है, जो BSc या MSc की पढ़ाई है, उसके CGPA में भी कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो कैसे हम लोग BSc और MSc के साथ पैरेलली इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, वो देखेंगे हम इस वीडियो में। ये आते हैं पहले पॉइंट पे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि बायो स्पेसिफिक्स जो है वो लाइफ साइंस स्पेसिफाइड चैनल है, इसीलिए हम लोग स्पेसिफिकली लाइफ साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। बाकी सारे सब्जेक्ट्स के स्टूडेंट्स भी इस वीडियो को देख के अपना लाभ उठा सकते हैं। तो पहला पॉइंट ये है दोस्तों कि पहले आपको जानना है सिलेबस सॉर्ट आउट कैसे करना है। फ्रेंड्स, पहला जो पॉइंट है, जो सिलेबस सॉर्ट आउट करने का पॉइंट है, कि सॉर्ट योर सिलेबस, वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि नेट लाइफ साइंस या CSIR नेट लाइफ साइंस आप जो भी बोले, इसका सिलेबस इतना बड़ा है कि ये एक समुंदर जैसा है। तो इसको सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है इन ऑर्डर टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट। लाइफ साइंस CSIR नेट का सिलेबस 13 यूनिट्स में डिवाइडेड है, और आप जिस भी स्ट्रीम में लाइफ साइंस को लेकर BSc या MSc कर रहे हो, आप अभी तक ये जान गए होंगे कि किसी के लिए भी पूरे सिलेबस को कवर करना पॉसिबल नहीं होता है। तो आपको सॉर्ट आउट करना है कि आप कौन कौन सा सेक्शन जानते हैं और कौन सा सेक्शन आपने अभी तक कवर नहीं किया है। तो इस डिफरेंशिएशन को दिमाग में रखना बहुत जरूरी है कि आप कौन से जगह पे स्ट्रांग है और कौन से सेक्शन पे वीक है। तो इसको सॉर्ट आउट करने के बाद आपको ये जानना जरूरी है कि आप जिन जिन सेक्शंस पे वीक है, वो CSIR के एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए कितना जरूरी है। तो उसको भी सॉर्ट आउट अलग से कर लें कि जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें वो सारे सेक्शंस जरूर इंक्लूड करें जो CSIR नेट प्रेफर करता है, यानी कि जिन सब सेक्शंस से CSIR में बहुत सारे क्वेश्चंस रोजाना, यानी कि हर बार एग्जामिनेशन में उन सारे सेक्शन से क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ साइंस के अंदर बहुत सारे स्ट्रीम्स आते हैं जिसकी वजह से कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर आता है माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, जिस भी स्तर पे BSc पे लाइफ साइंस के ऊपर स्टूडेंट्स अभी पढ़ाई कर रहे हो, वो लाइफ साइंस नेट के अंदर ही नेट को अपीयर कर सकते हैं। स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है बायोटेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को, उनके लिए DBT नेट अलग से होता है, लेकिन इस वीडियो में हम लोग सिर्फ CSIR नेट के बारे में ही बात करें। जैसे सारे यूनिट्स को अगर आप नहीं भी कवर कर रहे हो तो भी चलेगा, लेकिन एटलीस्ट 10 यूनिट्स को आपको कम्प्लीटली कवर करके जाना है। तो वो कौन से 3 यूनिट्स है जो आप छोड़ना चाहते हैं, वो पहले डिसाइड कर लें, क्योंकि ये 3 यूनिट्स आपको बाद में प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो आपको कंफ्यूज कर सकती है कि आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, जबकि आपके सारे सेक्शंस ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। तो इस कंफ्यूजन से ये आपको बचाएगा। तो पहले ही सॉर्ट आउट कर ले कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, इन द मीन टाइम बता दूं कि ये सारे टिप्स जो मैं आपको दे रही हूं, ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करने वाले हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि इस चैनल से आपको फायदा होने वाला है, इस कंटेंट से आपको बेनिफिट मिलने वाला है, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अभी के अभी, और ऐसे अपडेट्स बाद में भी पाते रहिए। तो चलिए लौटते हैं टॉपिक पे। सिलेबस सॉर्ट आउट करने के बाद दूसरा पॉइंट ये आता है कि आप अपने पढ़ाई के तरीकों को बदलें। जैसे कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, उससे थोड़ा सा निकल के पैटर्न बदलना है CSIR के प्रिपरेशन के लिए, जो हम बोलते हैं कि शिफ्ट फ्रॉम सब्जेक्टिव लर्निंग टू ऑब्जेक्टिव लर्निंग। तो इस पॉइंट को मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। जैसे कोई भी टॉपिक पकड़ लीजिए लाइफ साइंस का, फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए DNA replication। DNA replication बहुत ही कॉमन टॉपिक है, शायद हमने सभी ने एक बार पढ़ा हुआ है, तो मैं इस टॉपिक को लेकर ही समझाऊंगी। जैसे कि DNA replication हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम एक स्टोरी की तरह पढ़ते हैं कि कैसे कौन सा एंजाइम पहले आ रहा है, कौन सा बाद में आ रहा है, उसके लाइनअप को फॉलो करते हैं, फिर उसको पिक्टोरियली डिस्क्राइब करके हम इसको याद रखते हैं।
और सब्जेक्टिव पढ़ाई करना बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है सब्जेक्ट को, ये भी बहुत जरूरी है आपके लिए क्योंकि आपको अभी बीएससी एमएससी की जैसे एग्जामिनेशंस को अपीयर करना है जिसमें आपको अच्छे सीजीपीए भी स्कोर करने हैं, तो ये भी जरूरी है। लेकिन सीएसआईआर नेट के लिए आपको जैसे प्रिपेयर करना है वो थोड़ा सा अलग है। जैसे कि डीएनए रेप्लिकेशन हमने पकड़ा हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम की पॉइंट्स के अनुसार याद रखेंगे। की पॉइंट्स यानी कि सिर्फ कौन सा एंजाइम किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा एंजाइम किस बॉन्ड को ब्रेक करता है, कौन सील करता है, ये सारे पॉइंट्स को एज की पॉइंट्स डॉट वाइज हम लोग याद रखेंगे। जैसे कि एमसीक्यू आप लोग जानते हैं, एमसीक्यू पैटर्न होता है सीएसआईआर नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का आज के डेट में, तो एमसीक्यू का ये एक एडवांटेज भी है, एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाता है और अगर आपको याद नहीं है चीजें, आप एनालाइज नहीं कर पा रहे हो ठीक से, तो आप कंफ्यूज होकर गलत उत्तर दे सकते हो। लेकिन उसका एडवांटेज ये भी है कि अगर आप पढ़ाई को ऑब्जेक्टिव वे में की पॉइंट्स के अनुसार याद रखेंगे तो जैसे ही आप उसको ऑप्शंस में देखेंगे आपको तुरंत वो याद आ जाता है कि इसका आंसर ये हो सकता है। तो इस वजह से एमसीक्यू की पढ़ाई के लिए आपको ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। और दोस्तों ऐसा करने से ना सिर्फ आपको सीएसआईआर नेट पे बल्कि आपके रेगुलर एग्जाम्स में भी आपको हेल्प मिल सकता है। फ्रेंड्स काफी बार ऐसे भी होता है कि हम लोग पढ़ाई स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे दिमाग में ये चलता रहता है कि अगर हमने सीएसआईआर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी तो हमारा बीएससी या एमएससी के लेवल पे जो हम लोग पढ़ाई अभी कर रहे हैं उससे हम लोग का फोकस हट जाएगा। तो इस चीज से बचने के लिए आप ऑब्जेक्टिव लर्निंग स्टार्ट करें। हर एक चैप्टर को जैसे ही आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं एग्जाम्स के लिए तो उसके साथ साथ आप उसको ऑब्जेक्टिव वे में भी पढ़ना शुरू करें ताकि आपको याद रहे की पॉइंट्स के अनुसार। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट, दैट इज शिफ्ट फ्रॉम सब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव लर्निंग। इसके बाद चलिए देखते हैं आखिरी और तीसरा पॉइंट क्या है। आखिरी और तीसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना हैबिट थोड़ा जो है वो डेवलप करना है। जब तक सीएसआईआर नेट आप क्रैक नहीं कर लेते ये आपको प्रॉमिस कर लेना है अपने आप को कि ये चीज आपको रोज करनी है, और वो है कि सॉल्विंग एटलीस्ट 25 एमसीक्यू क्वेश्चंस एवरी डे। फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सीएसआईआर नेट एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट है, तो एमसीक्यू को आंसर करने का जो तरीका है, जो पैटर्न है, वो बहुत जल्दी दिमाग में फिट नहीं होना चाहता है। तो इसके लिए आपको हर रोज एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे। नो मैटर आप कौन सा पेपर ले रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसके ऊपर भी आप स्पेसिफिकली एमसीक्यूज ले सकते हैं। या फिर आप जाइए नेट में 10 ईयर्स नेट का जो पिछले का एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं उसको डाउनलोड कीजिए और रैंडम एमसीक्यू सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। इससे भी आपको बहुत फायदा हो सकता है। हो सकता है आपको सारे एमसीक्यू हर रोज जो आप सॉल्व कर रहे हो वो याद ना रहे, लेकिन अगर उसी एमसीक्यू को आप एग्जाम में देखोगे तो कभी अगर आपने सॉल्व किया है तो आपको उसका आंसर याद आ जाएगा। तो इससे आपका सीएसआईआर नेट क्रैक करने का जो चांस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और नॉट ओनली दैट, इसके साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। जैसे कि आप एमसीक्यू धीरे धीरे सॉल्व करना शुरू करेंगे और उसको आप हर रोज करना शुरू करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस है एमसीक्यू सॉल्व करने का वो डेवलप होता रहेगा और इससे आपको कॉन्फिडेंस मिलता रहेगा एग्जाम में प्रिपेयर करने के लिए और उसमें अपीयर करने के लिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें मैंने 3 टिप्स कवर किए हैं अभी से, आज से सीएसआईआर नेट का प्रिपरेशन शुरू करने के लिए। तो अगर आपने मन नहीं बनाया है सीएसआईआर शुरू करने का तो अभी बना लीजिए। आप बीएससी में हो, एमएससी में हो, चाहे किसी भी स्तर पे पढ़ाई कर रहे हो, आज से अभी से सीएसआईआर नेट अगर आपको कभी ना कभी इसके लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट करना ही है तो वाई नॉट टूडे। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए, पहले सिलेबस को डाउनलोड कीजिए, सिलेबस को सॉर्ट आउट कीजिए, ऑब्जेक्टिव लर्निंग पे फोकस कीजिए और हर रोज 25 एमसीक्यू सॉल्व करना शुरू कीजिए। आई एम श्योर कि आपको इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी चल के मैं आपको ऐसे जरूरी टिप्स देते रहूं सीएसआईआर नेट या दूसरे सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको इस आइडियाज को सुन के लग रहा है कि आप क्रैक कर सकते हो या फिर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है कि ये भी अब मैं ऐड कर सकती थी वीडियो में, तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर ना भूलिए। बायो स्पेसिफिक ऐसा चैनल है जिसमें आपको सीएसआईआर नेट यूजीसी क्रैक करने के सारे टिप्स ऐसे ही मिलते रहेंगे। मैंने अपने पिछले वीडियोस में इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और इसके प्रिपेयर करने के लिए जो आपको और चीजों की जरूरत है उसके बारे में डिस्कस किया है, तो उसके सारे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप बैक में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको और भी ज्यादा जरूरी चीजों के बारे में बाद में अपडेट करती रहूंगी, तो प्लीज बने रहिए बायो स्पेसिफिक्स के साथ और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू।
बाय।